Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to study about the next part of speech, that is interjection. आज हम interjection के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो let's see, हम कुछ sentence मैं आपको दिखाता हूँ, like hello, what are you doing there? Alas, he is dead. Hurrah, we have won the game. ओके, अब ये जो वर्ड्स हैं जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, हेलो, अलास, हुर्रा, तो इनका क्या फंक्शन है, ये वर्ड्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि देखें, हेलो, ये आप उससे पूछ रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करवा रहे हैं, अलास, ही इज़ डेड, तो आपको अफसोस कर रहे हैं यहाँ पर, हुर्रा की जगह आप वही है वॉन द मैच, वॉन द गेम, इसका मतलब यहाँ पर आपकी फीलिंग्स है, खुशी वाली फीलिंग्स हैं, तो वो वर्ड जो आपकी किसी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें या आपके जज्बात को रिप्रेजेंट करें, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो वो तमाम लफ्ज जो फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करें उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ये ऐसे करते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, अचानक जो आपकी फीलिंग, जज्बात या एहसास को शो करें, तो ऐसे वर्ड्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन. ठीक है, जैसे आ, हैव दे गॉन. ठीक है, उसके अलावा ओ, आई गॉट सच अ फ्राइट. हुश, डोंट मेक अ नॉइस. सो सर्टन वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स आर इमोशंस. कुछ इस तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं. ठीक है, यानी सिर्फ ये नहीं कि वो जो भी वर्ड्स के आगे, ये याद रखें, ये जो आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, इस जो जिस वर्ड के साथ लग जाए, चाहे वो दो वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं, तो वो वर्ड आपका क्या बन जाता है, वो इंटरजेक्शन बन जाता है. जैसे अह मी, तो अब ये पूरा अह मी जो है ये आपका पूरा वर्ड आपका इंटरजेक्शन है. फॉर शेम, वेल डन, गुड ग्रेशियस, ये तमाम वर्ड्स आपके क्या हैं, इंटरजेक्शन है. ठीक है, इंटरजेक्शन जो है ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, अगर खुशी आपने रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए क्या वर्ड आप यूज़ करेंगे, हुर्रा, हुज़्ज़ा, ऐसे वर्ड जो हैं. अच्छा, ये टेस्ट में बाज़ुकत पूछे जाते हैं कि खुशी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नीचे वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से अपने वर्ड को चूज़ करना होता है. ठीक है, या फिर सेंटेंस के अंदर जो है लफ्ज़ यूज़ हुआ होता है और उसमें वो कहते हैं कि कौन सा वर्ड जो है आपका इंटरजेक्शन है. ग्रीफ, गम के लिए हम यूज़ करते हैं अलास, आह, और सरप्राइज़ के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं व्हाट. अप्रूवल के लिए हम, यानी मंजूरी, प्रेवो, यानी ओके भाई, जैसे हम कहते हैं ठीक है, डन, तो ऐसे लफ्ज के लिए हम ब्रेवो. ठीक है, हा, व्हाट अ शिप, देखें ये हैरान हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे लफ्ज जो हैं ये तमाम आपके मुख्तलिफ फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको आपने ज़हन में रखना है. ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है, जैसे हुर्रा. हुर्रा का अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम क्या कहेंगे, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. अलास, अब ये गम के लिए, तो गम वाला फिक्र होगा, अलास, हिज फादर हैज़ डाइड. ओह, ओह, आई एम सो टायर्ड. वेल डन, वेल डन, यू हैव डन इट. ओह, आई एम सो टायर्ड. तो ये क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मुख्तलिफ फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, ये कैसा वर्ड होता है जो आपकी फीलिंग्स या जज्बात को जो है वो एक्सप्रेस करे. तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ये फिक्रों में पढ़ा. ठीक है, और इन फिक्रों में अगर हम ढूँढें कि पहले फिक्रे में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इंटरजेक्शन है, तो वो हुर्रा, दूसरे में आ, तीसरे में अलास, और इस फिक्रे में ओ, और इस फिक्रे में हुश. तो ये तमाम वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, इंटरजेक्शन है. ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन हमारा इंटरजेक्शन के बारे में था. उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी. नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस और उसकी कुछ टाइप्स. तो उस वक्त तक इजाज़त चाहिए, और आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़.